सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक मनमोजी सैम व्लॉग्स। और आज हम आए हैं केदारनाथ, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। और मैं आपके स्पेशल इंट्रो के लिए पूरी चोटी पे चढ़ा हुआ हूँ। देखो जैसे कि मेरे पीछे और उधर पहाड़ में देखो, माउंटेन्स में स्नो गिरी हुई है ऐसे ही। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अगर आप इस महीने आने की सोच रहे हो तो आपको कुछ ऐसा सामना करना पड़ सकता है। केदारनाथ बेस कैंप है ये, जहाँ पे बहुत ही भीड़ है। और रात को यहाँ आते हुए हालत टाइट होगी, लेकिन सुबह उठ के जब हमने देखा टेंट से निकल के बाहर का नज़ारा, सारी थकान गायब। अगर आप भी आने का सोच रहे हो तो ज़रूर आइए और इन वादियों का पूरा मज़े लीजिए। और अब मिलते हैं आपको, तो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ हम रात को रुके थे। ये हमारा टेंट है, देखो वो टेंट के अंदर वालों सावधान रहो। ये देखो हम भीग गए थे, ये अंदर से कुछ ऐसा नजारा, ये और ये रात को हमें इनकी वजह से इसका नाम है चंदू, सबका बंधु। तो अब अपना ट्रैक स्टार्ट हो चुका है मंदिर के लिए। और सामने का व्यू कुछ इस तरह से अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देख रहे हो व्यू, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। सो गाइस, ये हेलीपैड है यहाँ का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हेलीकॉप्टर, मैं खड़ा हूँ हेलीपैड पे ही। गाइस देखो हेलीपैड, तो दर्शन से पहले यहाँ लाइन में लगने से पहले भी एक टोकन लेना पड़ता है। अभी हम लाइन में लगेंगे। देखो जैसे ये दर्शन है तो टोकन यहाँ से प्राप्त करें। तो अभी अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप थी, अब देखो बादल आ गए हैं, अब कुछ दिख नहीं रहा। ये देखो बादल पूरे, आज भी लगता है बारिश होगी और हमारी डाटा फिश हो जाएगी। अभी आपने माउंटेन्स देखे थे, अब देखो ये गायब हो गए हैं। तो अब टोकन के लिए लाइन में लग रहे हैं। देखो ये पता नहीं क्यों मैंडेटरी है, मैं आपको अभी बताऊंगा, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों ज़रूरी है, अभी हमें भी नहीं पता। सो ये बेसिकली है हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे कि आपने ऑनलाइन करा रखा है तो यहाँ के इस टाइप की कुछ पर्ची मिलेगी, अगर नहीं करा रखा तो ऑफलाइन भी मिल जाएगी। तो केदारनाथ के दर्शन के लिए लाइन दिखाऊं मैं आपको, बहुत छोटी सी लाइन, पता ही नहीं चलेगा कब ख़त्म हो जाएगी। देखो ये रहे हमारे दोस्त, ये बस पहुंचने वाले हैं। ये पीछे लाइन है, अब ये यहाँ से जा रही है, ये उधर, फिर वो फ्लाईओवर पे देखो ये भी लाइन है, और ये भी ये इधर जा रही है, और वो देखो, और ये लाइन उस तरफ भी जा रही है उसके उधर। मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये देख रहे हो आप मंदिर, ये केदारनाथ जी का ऊपर का वो दिख रहा है सच जो होती है, ये देखो आप। और लाइन देखो आप, और इतने मज़े आ रहे हैं इनको। तो अब हम लोग खा रहे हैं चाय और समोसा, यहाँ बहुत महंगा है, जैसे 20 रुपए की चाय और 30 रुपए का समोसा। और समोसा देखो कैसा है ऐसा। हेलो, वेलकम टू न्यू व्लॉग, ये हमारे सैम भाई शुरुआत करेंगे व्लॉग। क्या हुआ था क्या? ये देखो गाइस बादल चलते हुए, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। देखो
आने वाली है भयंकर बारिश आज भी। गाइस हमने अपनी तरफ से पूरा चीज जान तोड़ लगा लिया है, ठीक है, पर बात कहीं से नहीं मिली है। तो अभी आप कभी भी जब केदारनाथ आए सच्चे मन से आए, हमारी तरह मना आए, टाइम से आए और पैसे हो तो आए, नहीं तो नहीं आए। और 1100 रुपए आप अलग से लेके आए, यात्री में दर्शन करना होगा। वीआईपी अलग अपनी यात्रा स्टार्ट करने, तो वो बोला मैं अपने सच्चे मन से जा रहा हूँ, पर ये आने के बाद उसका मन चेंज हो गया, ठीक है, वो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, पर्सनल चीज ही होती है। ओके गाइस, ये देखो हमारे अंपायर साहब, अभी यहाँ पे मैच चलेगा भारत पाकिस्तान का, आउट हो गए सारे, यहाँ पे हम सारे आउट हो गए, और यहाँ पे शायद मैच चला तो सकता है, मौसम खराब है, आप देख लो ठंड से बचने लिए फुल तैयारी चल रही है, देख लो भाई सारे हमें लाइन में खड़े हुए हो गए 2.5 घंटे, पिछले 2.5 घंटे से ऐसे लाइन में खड़े हैं, और अभी मेरे ख्याल से 3 बजे से पहले तो पहुंचते भी नहीं, बुरा हाल है भैया। ऑफ सीजन में ही आना, जब भी आना, सीजन में तो ऐसे ही हो जाएगा। रे आप बोल, तेरे को देख रहा हूँ, आप बोल, तेरे को देख रहा हूँ। अभी भी हम लोग, अभी तो मैंने दोस्तों को भी लगा रखा है, सब हम बारी बारी अपनी टर्न कर रहे हैं लाइन में लगने की, और मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट 3 से 3.5 घंटे में हम सिर्फ कुछ ही दूर चले हैं, और अभी कितनी लाइन रहती है आपको दिखाता हूँ। ये रहे हमारे दोस्त, और ये जा रही है लाइन, देखो ये देखो मंदिर आपको दिख रहा है, वो देखो साइड में मंदिर है, ये लाइन इतनी लंबी लाइन है अभी भी। पता नहीं कब होंगे दर्शन और कितनी देर लगेगी, अपने अपने टर्न वाइज हम लाइन में लग रहे हैं और निकले जा रहे हैं, थोड़ा जो थकता है वापस आके बैठता है फिर जाता है, और ये देखो कैसे हाल है, इनसे पूछते हैं अभी भाई लोग की हाल चाल। ये देखो ये झरना देखो कहाँ से आ रहा है, पहाड़ के टॉप से, ये तो हम अब लाइन में लगे लगे हमें अब 4 घंटे हो चुके हैं, 4 से 5 घंटे होने वाले हैं, और हमने प्रसाद भी ले लिया है, अब मे भी 1 से 1.5 घंटे में हमारी टर्न भी आ जाएगी। वो देखो केदारनाथ मंदिर मिलते हैं अब आपको मंदिर के दर्शन के लिए। ये हमने देखो ये माथे पे शंकर जी का बनवाया है, तो हमारा नंबर भी आने वाला है, क्योंकि करंट धुंधला हो रहा है, करंट धुंधला हो रहा है, तो हमारा नंबर भी आने वाला है आपको नोटिफाई। तो मेरे सामने केदारनाथ जी का मंदिर है, आपको भी दिखाता हूँ, ये देखो
इनके दर्शन करने के लिए हम 24 किलोमीटर चल के आए हैं और 24 किलोमीटर चल के जाना है। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से नज़ारा, और लाइन तो अभी भी है, तो अभी भी हम लाइन में लगे हुए हैं। देखो बहुत मज़ा आ रहा है, और ये देखिए लाइन, ये लास्ट लाइन है। अब हमारी किस्मत पर डिपेंड है, 3 बजे से पहले हमारे दर्शन होते हैं, अभी तो नहीं तो हम 5 बजे तक यहीं पर दर्शन करेंगे। हम और नज़दीक पहुंचते हुए केदारनाथ जी को, अभी यहाँ से हमने साथ प्लान कर रहे हैं, यहाँ भी जाएंगे। कौन सा मंदिर था ये? भैरवनाथ मंदिर प्लान कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि यहाँ से दर्शन कब होते हैं हमारे, तो हम पहुँचने वाले हैं जस्ट 5 मिनट्स। देखो यहाँ से तो फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं, ये देखिए पीछे। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पीछे केदारनाथ मंदिर की, और हमारा अभी दर्शन हो चुके हैं। अब मिलते हैं आगे। केदारनाथ जी, वो जो पहाड़ है, शिला जी है, जो अपना बाढ़ में रक्षा कर रहे थे। देखो कितना ही यूज है ना। कहते हैं जैसे कि जब 2013 में बाढ़ आई थी, बाढ़ के दौरान जब इधर से पीछे से बादल फटे और नीचे जब पानी आया तो बहुत ही तेज़ बहाव आया था, तो मंदिर को कुछ नहीं हुआ और आजू बाजू की सभी जगह डूब गई थी। और बस ये कुदरत का खेल है, देखो कैसे है। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे, हमने अघोरी जी के साथ भी फोटोज़ वगैरह की, बहुत ही मज़ा आया। होप आप सबको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे कैसे आना है, क्या करना है। ये और इसमें क्या होता है कि जब हम जय भोले या भोले जी भगवान जी का नाम लेते हैं तो पानी में बुलबुले उठते हैं। चलो देखते हैं कि उठते हैं या नहीं उठते हैं। कब लो आवाज लो, हर हर महादेव, उठा उठा उठा, जय भोले जी, बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। वो देख उधर हो रहा था, हर हर महादेव। चल प्रमोद, कौन भाई को बोलना है क्या? जय महाकाल, बम बम बोले। सो ये रियल है भाई, आप जब भी केदारनाथ आओ तो यहाँ पे जरूर आए। तो क्या, तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, ये शॉर्टकट है, नहीं तो हमें वहाँ से जाना पड़ता। हम यहाँ से निकलेंगे नीचे, और ये व्यू देखो। तो हम अब उतरने के लिए शॉर्टकट अपना रहे हैं, जैसे नॉर्मल रास्ता वो है, और ये है थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता। देखो जैसे ये जा रहा है,
ये रास्ता रिस्की भी है। बारिश होली भाई शायद आपको इसके बाद की वीडियो ट्रैकिंग की वीडियो उतरते हुए कि ना मिले बिकॉज अब बैटरी ड्रेन हो चुकी है, मोबाइल और सभी गैजेट्स हमारे बैटरी लो मोड में चले गए हैं। सो इससे आगे का अगर हमारे पास कुछ आइडिया हुआ या हमें कोई सोर्स मिलता है चार्जिंग का तो मैं आपके आगे की जर्नी दिखा पाऊँगा, अदरवाइज़ आप इन्जॉय कीजिए जितना हमने दिखाया। और एक और चीज़, हमने यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ाया बिकॉज ऑफ दिस वेदर, और केदारनाथ के टेंपल के आसपास तो अलाउड भी नहीं है कि हाँ भी हम ड्रोन उड़ा पाए। और सॉरी गाइस दिस टाइम।